Good morning, friends. May Dr. V.K. Mishra from Gastro Labor Hospital, Surabhnagar, Kanpur. At the outset, a request. ये scientific channel है, ये scientific deliberation है. मैं request करूँगा कि इस channel को subscribe करें, इस video को share करें, ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजी जा सके. आज मैं बात करूँगा peptic ulcer के presentation के बारे में. Presentation in the sense कि peptic ulcer कैसे, किन लक्षणों के साथ में प्रेजेंट करता है या हम वास्तव में इसके लक्षणों को कैसे पहचानने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले तो ये समझिए कि पेप्टिक अल्सर में दोनों अल्सर होते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर होता है एंड ड्यूनल अल्सर होता है. तो जब हम पेप्टिक अल्सर की बात करते हैं तो वास्तव में हम दोनों अल्सर की बात करते हैं. जब भी आप हमारे पास आते हैं तो हम सबसे पहला जो काम है वो करते हैं कि आपकी हिस्ट्री लेते हैं. जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो हम चार चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं. क्या आपको पहले कभी पेप्टिक अल्सर हुआ? अगर ऐसा है तो संभावना इसकी बढ़ जाती है कि आपको दोबारा होगा. क्या आपको कभी पहले हेलिकोबैक्टर का इंफेक्शन हुआ? तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको दोबारा इंफेक्शन होगा. क्या आप लगातार पेन किलर यूज करते हैं लंबे समय से? तो पॉसिबिलिटी इज कि आपको अल्सर जैसी बीमारी होगी. क्या आप स्मोकर हैं, ज्यादा संख्या में सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, तंबाकू यूज करते हैं? अगर निकोटीन कंटिन्यूसली आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है तो आप अल्सर की जो रिस्क है उसमें हमेशा बैठ जाते हैं. नाउ क्वेश्चन इज, क्या आपकी हिस्ट्री के आधार पर मैं ये डिफरेंशिएट कर सकता हूं कि आपको गैस्ट्रिक अल्सर है या ड्यूनल अल्सर है? सही बात यह है कि मैं कभी डिफरेंशिएट नहीं कर सकता. जहां तक डिफरेंशिएट करने का सवाल है, सिर्फ लक्षण के आधार पर डिफरेंशिएट करना इज वेरी डिफिकल्ट. साइंस ऐसा मानती है कि दोनों ही जो अल्सर्स हैं उनमें वास्तव में यहां पर जो दर्द है या एपिगेस्टिक पेन है इज ए वेरी कॉमन फीचर. जो दर्द होगा वो दो तरह का होगा, एक नाइंग पेन होगा जो कंटिन्यूअसली महसूस होगा और उसके अलावा आपको एक कंटिन्यूअस बर्निंग की फीलिंग होगी. ऐसा लगेगा जैसे आग की कोई भट्टी आपके पेट के अंदर जली हुई है. तो ये जो जलन की जो फीलिंग होगी या आग की भट्टी जैसी जली हुई है, ये वास्तव में अल्सर के फेवर में जाती है. नाउ जो दर्द आता है अल्सर की बीमारी में, यूजुअली साइंस ऐसा मानती है कि ये खाने के बाद आता है. खाने के तुरंत ही बाद जो अल्सर आता है वो शंका हमेशा गैस्ट्रिक अल्सर की तरफ ज्यादा ले जाता है. और अगर यह दर्द आपको 3 घंटे के बाद आ रहा है तो साइंस ऐसा मानती है कि यह शक ज्यादा पैदा करता है कि आपको ड्यूरनल अल्सर होगा. बट ये फूड पेन जो रिलेशन है ये वास्तव में एब्सोल्यूट नहीं है कि आपको सिर्फ इसी के आधार पर मैं कह सकूं कि आपको गैस्ट्रिक अल्सर है या आपको ड्यूरनल अल्सर है. नाउ जहां तक रिलीफ का सवाल है, बहुत लोगों का ऐसा सोचना है कि खाना खाने से या एंटासिड लेने से मेरा जो दर्द है वो खत्म हो जाता है. साइंस ऐसा मानती है कि जहां तक ड्यूडनल अल्सर का सवाल है, ये बात सही है कि खाना खाने से या एंटासिड से रिलीफ आती है एंड इट फेवर्स कि कहीं आपको ड्यूडनल अल्सर तो नहीं है. बट जहां तक गैस्ट्रिक अल्सर का सवाल है, खाने से या एंटासिड से जो रिलीफ है वो मिनिमल आती है, ना के बराबर आती है. यह बात सही है कि जो ड्यूडनल अल्सर के पेशेंट्स हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम उनको रात में नींद खुल जाती है दर्द के मारे, बिकॉज खाने की थैली खाली हो जाती है एंड जो एसिड है वो हिट करने लगता है ड्यूनल अल्सर को और उसके चलते दर्द होने लगता है. लेकिन अगर हम नाइट टाइम पेन को ध्यान से देखें तो साइंस क्या मानती है? साइंस ऐसा मानती है कि 50-80% पेशेंट्स ऑफ ड्यूनल अल्सर उन्हें नाइट टाइम पेन होगा, लेकिन 30-40% पेशेंट्स ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर उन्हें भी नाइट टाइम पेन होता है. एंड नंबर 3, साइंस ऐसा मानती है कि आपको अल्सर की बीमारी नहीं है, आपको नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया है या जिसमें एसिड की मात्रा ज्यादा है, तो 20-30% संभावना इस चीज की है कि आपको नाइट टाइम में पेन होगा. नाउ एक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आप समझिए कि किसी भी व्यक्ति का जो दर्द है उसकी जो पैटर्न है वो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए ये बहुत स्पेसिफिक है. से फॉर एग्जांपल, आपको अगर ड्यूरनल अल्सर है, आपको रात में 3:30 बजे दर्द होता है और अंदर से खाने की थैली ऐसी सिकुड़ने नोचने जैसी लगती है, तो आप मान के चलिए कि आपको रोज 3:30 बजे आप घड़ी मिला लीजिए, उसी समय दर्द होगा, बिकॉज दैट इज स्पेसिफिक फॉर यू. अगर यह दर्द पीछे रीढ़ की हड्डी की तरफ जाता है तो साइंस ऐसा मानती है कि आपकी खाने की थैली में गैस्ट्रिक अल्सर है जो पीछे की तरफ पेनिट्रेट कर रहा है एंड शायद पेनक्रियाज को डिस्टर्ब कर रहा है, इसलिए यह जो दर्द है वो पीछे की तरफ जा रहा है. नाउ अगर आपको क्रॉनिक ड्यूरनल अल्सर है या अनट्रीटेड ड्यूरनल अल्सर है जिसके चलते खाने की थैली का आगे का जो रास्ता है वो नैरो हो गया, श्रिंक कर गया या सिकुड़ गया, अगर ऐसा है तो खाने की थैली से जो आगे जा रही हैं चीजें उनको आगे बढ़ने में प्रॉब्लम होगी. अगर उनको प्रॉब्लम होगी तो आपको फुलनेस आएगी.
आपको ब्लोटिंग आएगी, आपको नौशिया आएगा, आपको वॉमिटिंग आएगी। इन वॉमिटिंग जो होगी उसके दो कैरेक्टर होंगे जिनको आपको ध्यान से देखना चाहिए। नंबर वन, जो वॉमिटिंग होगी वो लार्ज वॉल्यूम होगी कि एक बार आपने उल्टी की तो बहुत सारी मात्रा की उल्टी की। आप यह भी देखेंगे कि आपने सवेरे जो नाश्ते में खाया था या मॉर्निंग में जो ब्रेकफास्ट में लिया था, आप अगर उल्टी रात में करेंगे लेट नाइट, तो जो ब्रेकफास्ट में आपने लिया हुआ था तो आप देखेंगे कि उल्टी में वो चीजें भी दिखाई देंगी जो आपने बहुत पहले इस्तेमाल की हुई थी। इसका मतलब यह है कि रुकावट के चलते आपकी खाने की थैली है उसमें स्टेसिस होती है जिसके चलते यह प्रॉब्लम होती है। नाउ देयर आर सर्टेन अदर पॉइंट्स इन द हिस्ट्री जो हम हमेशा एलिसिट करने की कोशिश करते हैं, ध्यान देते हैं, जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाए कि आपको कहीं पेप्टिक अल्सर तो नहीं है। हम जानने की कोशिश करते हैं कि आपको डिस्पेप्सिया तो नहीं है, इसका मतलब है कुछ भी खाना खाने से पेट फूल तो नहीं जाता है। हम जानने की कोशिश करते हैं कि आपको हार्ट बर्न या सीने में जलन तो नहीं है या चेस्ट में कोई डिस्कम्फर्ट तो नहीं है। हम जानने की कोशिश करते हैं कभी आपको उल्टी में खून या ब्लैक लेटरिन तो नहीं हुई जो शायद अल्सर की तरफ इंडिकेट करेगा। हम जानने की कोशिश करते हैं कभी आपको सडन इस तरह का दर्द तो नहीं हुआ जो अनबेरेबल पेन जो ना हो जाए, जिसके चलते प्रॉब्लम हो जाए जो परफोरेशन में हो जाता है। हम जानने की कोशिश करते हैं कि आप लंबे समय से पेन किलर तो नहीं यूज करते चले जा रहे हैं, बिकॉज साइंस ऐसा मानती है कि लंबे समय तक अगर आप दर्द निवारक दवाइयां लेते हैं तो इन एल्डरली पॉपुलेशन कभी कभी जो अल्सर की बीमारी होती है या पेप्टिक अल्सर्स, दे में बी एब्सोल्युटली साइलेंट कि आपको अंदर अल्सर पड़ा हुआ है, आपको खून की कमी हो रही है, इन आपको कोई दर्द नहीं है बिकॉज जो अल्सर है वो पूरा साइलेंट पड़ा हुआ है। एक और फैक्ट है जो आपको जानने की जरूरत है, साइंस ऐसा मानती है कि अगर हम 100 लोगों को लाइन से खड़ा करें जिनके पूरे के पूरे लक्षण इस तरह के हैं जो बिल्कुल अल्सर की बीमारी की तरफ इंडिकेट करते हैं, पेप्टिक अल्सर की बीमारी की तरफ इंडिकेट करते हैं, और उनकी सबकी एंडोस्कोपी अगर की जाए तो साइंस मानती है कि सिर्फ 25% लोग ऐसे होंगे जिनमें वास्तव में अल्सर निकलेगा। 25% सिर्फ, 75% पेशेंट्स होंगे कि जिनके जो लक्षण हैं वो तो अल्सर जैसे हैं लेकिन उनकी एंडोस्कोपी नॉर्मल है। कुछ अलार्म सिम्टम होते हैं जो हम हमेशा जानने की कोशिश करते हैं आपसे, जो हमें अल्सर की तरफ इंडिकेट करते हैं। कभी आपको खून की उल्टी या आपको लगातार खून की कमी तो नहीं है। हम जानने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा भी खाने से आपका पेट फूल तो नहीं जाता है। हम जानने की कोशिश करते हैं कि लगातार आपका वजन कम तो नहीं होता चला जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप खाना खाते हैं तो आपको कहीं अटकन महसूस होती है। हम जानने की कोशिश करते हैं आपको कंटिन्यूस या रिकरेंट वॉमिटिंग तो नहीं हो रही है। ऐसे ही आपसे हम हिस्ट्री लेते हैं कि आपके घर में, आपकी फैमिली मेंबर में किसी को गेस्ट्रो इंटेस्टिनल कैंसर की जैसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नाउ हिस्ट्री के आधार पर या आपके लक्षणों के आधार पर हम अपना एक कोशिश करते हैं समझने की कि क्या आपको पेप्टिक अल्सर जैसी बीमारी है। इसके बाद हम आपका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। नाउ जहां तक फिजिकल एग्जामिनेशन का सवाल है, साइंस ऐसा मानती है कि इट इज वेरी नॉन स्पेसिफिक। वास्तव में आप फिजिकल एग्जामिनेशन से कभी पेप्टिक अल्सर को नहीं पहचान सकते। जो खाने की थैली के ऊपर का हिस्सा है जिसे एपिगेस्टियम कहते हैं, इसमें हल्की फुल्की टेंडरनेस हो सकती है। हल्की फुल्की जो टेंडरनेस या दबाने से जो दर्द है वो दाईं तरफ भी हो सकता है। अगर आपकी खाने की थैली के आगे के हिस्से में रुकावट है तो काफी लिक्विड सा आपके पेट में भरा होगा, तो अगर मैं पेट आपका ऐसे हिलाऊंगा तो उसमें से आवाज आएगी जिसे कहते हैं सकुशन स्प्लैश। तो ये हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा सिम्टम्स अगर कहीं आते हैं तो वो आते हैं अगर आपका अल्सर बर्स्ट हो गया, अगर आपका अल्सर परफोरेट हो गया या आपके अल्सर ने कहीं आपकी जो इंटेस्टिन है उसमें एक सुराख कर दिया या छेद कर दिया। अगर ऐसा है तो जो सिम्टम्स हैं वो बहुत प्रोमिनेंट होंगे। आपको बहुत सडन ऑनसेट, बहुत सीवियर पेन होगा जो आपकी बर्दाश्त के बाहर होगा। वो दर्द उस तरह का होगा कि अगर आप थोड़ा सा भी मूव करेंगे तो दर्द बिल्कुल अनबियरेबल हो जाएगा, आप उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और ऑलमोस्ट दर्द को बचाने के चक्कर में आप बिस्तर में लेटेंगे तो बिल्कुल ऐसा सिकुड़ के लेटेंगे जैसा छोटा बच्चा सिकुड़ के लेटता है, जिसे साइंस कहते हैं फीटल पोजीशन। आप मिनिमल मूवमेंट करना चाहेंगे बिकॉज परफोरेटेड जो पेप्टिक अल्सर है उसका दर्द बहुत ज्यादा अनबियरेबल होता है। इन कभी कभी पूरा का पूरा पेट एकदम टाइट हो जाता है। अगर हम देखें तो एक टेंडरनेस पूरे के पूरे एब्डोमेन में या पूरे के पूरे टमी में डेवलप हो जाती है और इसको हम दबाते हैं, छोड़ते हैं तो इतना अनबियरेबल पेन होता है जो आपकी बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। ऐसे ही आपका जो पूरा का पूरा एब्डोमेन है या पूरी की पूरी टमी है बिल्कुल एकदम टाइट रिजिड हो जाती है, जिसे हम कहते हैं गार्डिंग,
और एक रिबाउंडेड टेंडरनेस डेवलप हो जाती है। ये बात सही है कि बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंडेंट हैं और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये जितने भी सिम्टम्स जो मैंने बात की है ये डिटेरियोरेट करते चले जाते हैं, इन द सेंस कि अगर आपका अल्सर बड़ी साइज का था बर्स्ट हो गया तो ये सिम्टम्स ज्यादा होंगे, अगर आपका जो अल्सर है उसको बर्स्ट हुए 5 दिन का टाइम हो गया तो सिम्टम्स ज्यादा हो जाएंगे। तो ड्यूरेशन इज इंपॉर्टेंट, साइज ऑफ द अल्सर इज इंपॉर्टेंट, ये चीजें डिटरमाइन करती हैं कि जो फिजिकल फाइंडिंग्स हैं वो कैसी होंगी। अगर परफोरेटेड जो अल्सर है उसको आपने ट्रीट नहीं किया और आपकी आंत में छेद है तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, आप सेप्टिक शॉक में चले जाएंगे, आपके हार्ट की स्पीड बहुत बढ़ जाएगी एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको यूरिन का जो आउटपुट है वो नीचे जाने लगेगा। अगर ये सब सिम्टम्स आने लगे हैं तो साइंस ऐसा मानती है कि आपको मेडिकल हेल्प की तुरंत ही जरूरत है। अगर आप मेडिकल हेल्प तुरंत नहीं लेंगे तो वास्तव में जो फटा हुआ अल्सर है या बर्स्ट अल्सर है या परफोरेटेड अल्सर है ये आपको जान के खतरे में डालेगा। तो जहां तक पेप्टिक अल्सर का सवाल है उसको पहचानने के लिए हम दोनों चीजों की मदद लेते हैं। सबसे पहले हम हिस्ट्री पर ध्यान देते हैं, हम बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं उस ताकि हम ये समझ पाएं कि आपको पेप्टिक अल्सर जैसी बीमारी तो नहीं है क्या। इसके बाद हम आपको एग्जामिनेशन करते हैं और एग्जामिनेशन करके हम जानने की कोशिश करते हैं कि आपको अनकॉम्प्लिकेटेड पेप्टिक अल्सर है या आपको कॉम्प्लिकेटेड पेप्टिक अल्सर है। और जो कॉम्प्लिकेशन है उसमें सबसे ज्यादा हम जिस पर ध्यान देते हैं वो तीन है, नंबर वन इज द परफोरेशन, नंबर टू इज द ब्लीडिंग दैट इज हेमेटेमेसिस और मेलिना, एंड नंबर थर्ड वन इज द गैस्ट्रिक आउटर ऑब्स्ट्रक्शन जो सिकुड़न के चलते हो जाता है। तो जो कॉम्प्लिकेटेड ड्यूरल अल्सर या गैस्ट्रिक अल्सर हैं उन पे हम पहचानने की कोशिश करते हैं। अगर आप समझते हैं कि पेप्टिक अल्सर के लक्षणों को समझने में या प्रेजेंटेशंस को समझने में यह वीडियो आपको हेल्प करता है तो इसको जरूर शेयर करें ताकि यह जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजी जा सके। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लेबर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर, थैंक यू वेरी मच।